महान ग्रंथ की रचना। डॉक्टर अंबेडकर की पूर्व उल्लेखित पुस्तकें निसंदेह महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण एक चिरस्थायी ग्रंथ दी बुद्धा एंड हिज धम्मा है, जो उनकी मृत्यु उपरांत सन 1957 में प्रकाशित हुआ। यह एक स्मारकीय एवं विशाल ग्रंथ है। इसके अंतर्गत डॉक्टर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनी बौद्धिक विवेचना सहित नए ढंग से विश्लेषित किया है। ग्रंथ निष्पक्ष, स्पष्ट एवं सरल है। उसकी भाषा ओजस्वी एवं सारगर्भित है। ग्रंथ में विद्वान डॉक्टर की प्रतिभा और व्यक्तित्व की छाप है। बौद्धिक युक्तियों से वह सुसज्जित है। प्रत्येक महान ग्रंथकार की भांति भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं दर्शन का समन्वित रूप निहित है। बौद्ध विद्वानों, देशों और संस्थाओं ने उनके इस ग्रंथ का हार्दिक स्वागत किया है। यह ग्रंथ कई मौलिक प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जिनका डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने हीनयान तथा महायान में विभाजित बौद्ध धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का धर्म एक ही है। दार्शनिक व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं, धर्म के रूप में बौद्ध धर्म एक ही है। दो बौद्ध धर्म होना संभव नहीं है। पहला प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के जीवन से संबंधित उठाया है। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत कथन कि सिद्धार्थ गौतम ने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा, इसलिए घर को छोड़कर चले गए। डॉक्टर साहब ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को उत्तरदायी बतलाया जो उस समय उनके समक्ष उठ खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ चुपचाप घर से निकलकर नहीं गए, वर्णम अपने परिवार वालों की आज्ञा लेकर उन्होंने घर त्याग किया। उनके घर त्याग की घटना को डॉक्टर साहब ने बड़े ही आकर्षक एवं ऐतिहासिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न यह है कि विद्वानों ने अधिकतर यही लिखा है कि जीवन स्वभावतः दुख है। इसे बौद्ध धर्म की मूल मान्यता कहा गया है। यह कथन बौद्ध धर्म की जड़ पर कुठाराघात करता है, क्योंकि जब जीवन ही दुख है तो जीते जी दुख का अंत कैसे संभव होगा? धर्म का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने इस तरह पैदा की गई उलझन का स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्ध ने जीवन में दुख की व्यापकता को स्वीकार कर उसका अंत करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। जीवन स्वभावतः दुख है ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन में दुख है ऐसा समझना चाहिए। तीसरा प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म को लेकर उठाया है, क्योंकि न केवल बौद्ध विद्वानों बल्कि अन्य विद्वानों के मन में इन विषयों को लेकर बड़ी गंभीर भ्रांतियां विद्यमान हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार किया, परंतु यह गलत है। उन्होंने किसी आत्मा को स्वीकार नहीं किया। आत्मा की प्रचलित धारणा का तो बुद्ध ने खंडन किया था, पर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? निसंदेह ये बड़े ही टेढ़े एवं गंभीर प्रश्न हैं, पर अंबेडकर ने गहन अध्ययन के पश्चात इनका उत्तर पूर्ण संगति के साथ दिया है। उन्होंने यह समझाया है कि किस प्रकार हिंदू धर्म में विद्यमान आत्मा, कर्म एवं आवागमन के विचारों को बौद्ध धर्म में उलझा दिया गया। बौद्ध धर्म के इन विचारों को डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म के इनसे संबंधित विचारों से स्पष्ट किया है, ताकि लंबे समय से चली आ रही भ्रांतियां दूर हो सकें। चौथा प्रश्न भिक्षु संघ से संबंधित है। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की? क्या वह भिक्षु संघ को समाज से पृथक रखना चाहते थे, अथवा उनका उद्देश्य भिक्षु के रूप में आदर्श समाज सेवक प्रदान करना था? भिक्षु संघ पर ही तो बौद्ध धर्म का अस्तित्व निर्भर है। अतएव अंबेडकर ने भिक्षु संघ के कर्तव्यों तथा आदर्शों का विश्लेषण किया है, ताकि बौद्ध भिक्षु सामान्य उपासकों के मार्गदर्शन तथा मित्र दार्शनिक बने। यदि भिक्षु अपने ही कल्याण में रत रहता है तो वह स्वार्थी व्यक्ति है। भिक्षु का यह कर्तव्य नहीं है, वह तो मूलतः समाज सेवी है। भिक्षु की यही धारणा बुद्ध धर्म के आदर्श से मेल खाती है। इन बातों का डॉक्टर साहब ने बड़ा विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण ग्रंथ में सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, धर्म दीक्षाओं का आंदोलन, बुद्ध ने क्या सिखाया, मजहब एवं धर्म में अंतर, भिक्षु संघ की रूपरेखा एवं कर्तव्य, भगवान बुद्ध और उनके समकालीन, महान परिवज्जक की अंत्यचारिका और महान सिद्धार्थ गौतम विषयों का विशेष विवेचन किया है। इन्हीं विषयों के अंतर्गत डॉक्टर साहब ने धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सधर्म क्या है, धर्म तथा नैतिकता, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, ईश्वर, अहिंसा आदि धारणाओं का सरल एवं स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हिंदू विद्वानों द्वारा बौद्ध धर्म में आरोपित विचारों का उन्होंने खंडन किया है,
ताकि दोनों धर्म को एक कहने की भ्रांति का अंत हो सके। आधुनिक परिस्थितियों में मूल बौद्ध धर्म के विचारों तथा विश्वासों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पांचवा प्रश्न अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में अहिंसा के विचार को लेकर उठाया है। इस धारणा को लेकर भी कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। उन्होंने अहिंसा के नाना अर्थों तथा व्यवहारों का विश्लेषण कर बौद्ध धर्म में अहिंसा की धारणा का स्पष्ट विवेचन किया है, जो बुद्ध के मध्यम वर्ग से बिल्कुल मेल खाता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा सिद्धांत को उन्होंने हिंदू तथा जैन धर्मों में तत्संबंधित विचारों से बिल्कुल भिन्न बतलाया है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का आदर्श मध्यम वर्गीय है, जबकि इनका अहिंसा का सिद्धांत अतिवादी है। इस प्रकार अहिंसा की नई व्याख्या डॉक्टर साहब के महान ग्रंथ में की गई है।